जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर अच्छा लगे तो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या बी एस एस सी इंटर लेवल मेंस का जो कटअप है और नीचे जाने वाला, यानी नन टैपिंग का जो कटअप है वो और नीचे जाएगा, क्योंकि इसका एक कारण है। ठीक है, ये कारण मैं स्पष्ट रूप से इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बता दूंगा। चलिए देखते हैं ये कारण क्या है। देखिए, एक एक छात्र हैं, ठीक है, वो देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग को एक पत्र लिख रहे हैं, और ये पत्र क्या लिख रहे हैं मैं इसे पूरा पढ़ के सुनाऊंगा और इसे समझाऊंगा भी। देखिए, सेवा में श्रीमान सचिव महोदय, ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना। देखिए विषय क्या दिया हुआ है इसमें, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा विज्ञापन संख्या इतना के संबंध में। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है उसने, महाशय सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के ज्ञापांक इतना, दिनांक इतना, अंतर्गत एक सूचना दिया गया था कि जिसके अनुसार 22/2/2016 से 13/3/2016 के बीच ऑनलाइन आवेदन करने का मौका अभ्यर्थियों को दिया गया था। उपयुक्त सूचना में आयोग द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि वैसे ही अभ्यर्थी हो ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं जिन्हें ऊपरी उम्र सीमा का लाभ वांछित है। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन कर दिया जिन्हें ऊपरी उम्र सीमा के लाभ की आवश्यकता नहीं थी। बहुत से ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन कर दिया जो 2014 में शैक्षणिक एवं उम्र की शर्तों को पूरा नहीं कर सकते थे। ठीक है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि ऐसे अभ्यर्थियों को जो विज्ञापन की शर्तों को पूरा किए बिना ही आवेदन समर्पित किए हैं, ऐसे सभी अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त कर दिया जाए, बहाली प्रक्रिया से हटाने की कृपा की जाए। तो आवेदक नंदन कुमार झा अभ्यर्थी, देखिए ये 19/1/2021 को, ये आज का ही डेट है। ठीक है, आज के ही डेट में ये पत्र लिखा गया है। तो देखिए, इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो जैसे ही ये पत्र, देखिए जो भी पत्र होता है वो सचिव के पास चला ही जाता है। मैं एक ऑफिशियल आदमी हूँ, मैं भी बहुत सारा, जब मुझे भी छुट्टी लेनी होती थी तो मैं भी कभी कभी पत्र के द्वारा छुट्टी मांग लेता था। ऐसे तो आजकल व्हाट्सएप और जीमेल के थ्रू भी छुट्टी मिल जाती है, मगर देखिए एक एक जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो इस रूप में भी किसी को जानकारी दे सकते हैं। वैसे आयोग तो कार्रवाई करेगी ही करेगी, उसके लिए कोई दो मत नहीं है, बट ये एक प्रेशर होता है। ठीक है, क्या आप किसी के मिलीभगत से या किसी पैसा वैसा लेके उस स्टूडेंट को मैनेज नहीं करें, क्योंकि बिहार का ऐसा हिस्ट्री रहा है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी अगर अच्छे से स्क्रूटनी की जाए ना, जांच की जाए सर्टिफिकेट की, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे जो जॉब कर रहे हैं 10 10 साल 20 20 साल से, उनको जॉब से हटना पड़ जाएगा। देखिए, मैं एक ऐसा ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 2016 में आवेदन किए हुए हैं और उनका बहुत ही अच्छा खासा नंबर आ रहा है। ठीक है, तो एक तो मेरे परम मित्र ही हैं जिनके 122 नंबर आया हुआ था। ठीक है, अब देखिए मुझे तो बहुत दुख लग रहा है उनके लिए और तमाम उन लोगों के लिए भी लगेगा, क्योंकि वो लोग बहुत ही मेहनत किए थे। क्योंकि देखिए, जॉब करना कौन नहीं चाहता यार, हाँ जॉब किनको नहीं पसंद है, मगर जो क्रिटेरिया वो हम लोग से मांगा गया था कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, वो सर्वोपरि है ना, उसके थ्रू तो आप अलग जा नहीं सकते हैं। तो मेरा कहना यही था, अगर अगर ऐसे छात्र छटते हैं 5 से 6 हज़ार के बीच, जो कि देखिए करंट स्टूडेंट बहुत ही अच्छे अच्छे होते हैं। ठीक है, वो हर चीज़ का देखिए, स्पेशली वो लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं। ठीक है, और एसएससी वाला जो बच्चा होता है ना, वो ऑलराउंडर होता है, वो हर एक एग्जाम में, बैंकिंग को छोड़ के चाहे रेलवे में भी अच्छा स्कोर करता है, हर एक एग्जाम में वो अच्छा स्कोर करता है। क्योंकि एसएससी जो है ना, हमको हमारे बेसिक पर ध्यान देती है, यानी बिना बेसिक क्लियर हम लोग एसएससी क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट, उन स्टूडेंटों के लिए मुझे दुख हो रहा है जो कि 2016 में पास आउट फॉर्म भरे हुए हैं। मैं आशा यही करता हूँ कि अब थोड़ा सा कटअप कम हो जाएगा, और आप भी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या कटअप कम होगा या नहीं होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।